हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे, जो कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट 10 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 टू 9 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 टू 9 देख लें। तो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में भी जो है सिमिलरली जैसे नॉन चैन टर्मिनेटिंग का करते थे उसी तरह से करेंगे, लेकिन बस एक डिफरेंस इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम आपका प्रेजेंट रहता है फंक्शनल ग्रुप में। तो इस केस में जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन एटम रहेगा उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जबकि नॉन चैन टर्मिनेटिंग वगैरह में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं रहता था तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग देने का कोशिश करते थे। जैसे आपका COOH ग्रुप है तो इस केस में जो है ये वाला कार्बन से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो COOH से ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड OH, इसका तो सफिक्स Y एसिड और कार्बोजाइलिक एसिड आप लोग याद कर लिए होंगे। पिछला 2 लेक्चर पहले हम बोले थे याद करने के लिए सबका प्रीफिक्स, सफिक्स और नाम। तो प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है और अल्कानोइक एसिड। अब यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे सफिक्स वाइक एसिड लगता है और कहाँ पे कार्बोजाइलिक एसिड। तो फर्स्ट एग्जांपल है HCOOH, तो इसका नाम आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, एक कार्बन है तो अल्कानोइक एसिड, तो मिथानोइक एसिड होगा। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो कार्बन है तो इथ, तो इथानोइक एसिड। यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH, तो नाम होगा प्रोपानोइक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड जो है कॉमन नेम होता है HCOOH का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें सबसे पहले तो मेन चेन कौन सा होगा, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन तो काउंट होगा। अब इस तरफ जाएंगे या इस तरफ, तो इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा सीनियर पहले नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, तो ये वाला कार्बन आपका मेन चेन होगा, फर्स्ट कार्बन इसको कहेंगे, क्योंकि नंबरिंग जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4, तो ना इस पे अब क्या कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, तो 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इन वाइक एसिड, तो इसका नाम होगा 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इन वाइक एसिड, मतलब एक साथ बोलेंगे तो इन वाइक, EN जो है डबल बॉन्ड के कारण और COOH के कारण वाइक एसिड, तो ब्यूट 3 इन वाइक एसिड। इसका प्रोपानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड और कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। तो कार्बोजाइलिक एसिड कहाँ पे सफिक्स लगेगा वो हम आगे बता देंगे, अभी तो आपको वाइक एसिड ही लगाना है सफिक्स। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें मेन चेन कौन सा होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये आपका होगा। अब इसमें नंबरिंग जो है इस कार्बन से स्टार्ट कीजिए या इस कार्बन से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इससे स्टार्ट कीजिएगा तो बीच में उतना नंबर ऑफ कार्बन एटम ही आएगा, इससे भी कीजिएगा तो उतना नंबर ऑफ कार्बन एटम आएगा। तो 1 2 3 4 5, बस डिफरेंस आता कि यदि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो इसको 2 मिलता, इसको 4 मिलता, तो नाम होगा 2,4-diethylpentane-diwaic acid, क्योंकि 2 COOH ग्रुप है तो diwaic acid। अब सिमिलरली यहाँ पे नेमिंग करेंगे तो ये आपका मेन चेन होगा, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम से, इसलिए ये मेन चेन। अब 1 2 3 4 5, तो 2 पे 1 2 3 4, ब्यूटाइल ग्रुप, 2-butyl-pent-4-aynoic acid, YNOIC, आयनोइक एसिड, तो ये नाम होगा 2-butyl-pent-4-aynoic acid, YNOIC। यहाँ पे आप बोलिएगा किसके कारण, तो बाई एन इन होना चाहिए, तो ई ड्रॉप हो गया ओ के कारण, पीछे के लेक्चर में बता दिए हैं कि ओ रहता है तो ई ड्रॉप हो जाता है, और इसका 2,4-diethylpentane-diwaic acid। अब मान लीजिए यहीं पे अगर यहाँ हम Cl लगा देते हैं, यहाँ पे NH2 लगा देते हैं, तो क्या नाम होगा, तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ से फिर नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए, 1-2-3, नाम होगा 2-pe-3-amino-1-chloro-butyl-pent-4-aynoic acid, बस सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाएगा, 2-butyl के जगह ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ 2 COOH के बीच में यदि नंबर ऑफ मतलब CH2 ग्रुप रहेगा तो उसका नाम क्या क्या होता है,
तो अगर n इक्वल टू जीरो मतलब COOH COOH के बीच में बॉन्ड रहेगा तो नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, n इक्वल टू वन मतलब एक CH2 ग्रुप रहेगा दो COOH के बीच में तो नाम होता है मेलोनिक एसिड। सिमिलरली n इक्वल टू टू मतलब दो COOH के बीच में दो COOH CH2 ग्रुप रहेगा तो नाम होगा सक्सिनिक एसिड। उसके बाद अगर तीन रहता है n इक्वल टू थ्री मतलब तीन CH2 ग्रुप प्रेजेंट है दो COOH के बीच में तो नाम होता है ग्लूटेरिक एसिड। और अगर चार CH2 ग्रुप प्रेजेंट है एक दो तीन चार तो नाम होता है एडिपिक एसिड, ADIPIC हम लिख देंगे अभी थोड़ा देर में। और यदि पांच रहता है एक दो तीन चार पांच CH2 ग्रुप तो नाम होगा पाइमेलिक एसिड। अब इसका जो है एक बार आप लोग IUPAC नेमिंग बता दीजिए तो COOH COOH तो दो कार्बन तो इथेन डायोइक एसिड। सिमिलरली इसका नाम होगा प्रोपेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड, हेप्टेन डायोइक एसिड। तो ये हम सबका जो है नाम लिख दिए, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, ये सब कॉमन नेम होता है। IUPAC नेम तो आप लोग लिख ही लेंगे, इथेन डायोइक एसिड जगह नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे हैं, एक एग्जांपल बता दिए। ब्यूटेन लिखना है डायोइक एसिड DIOIC एसिड। सिमिलरली प्रोपेन लिखना है डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक, इथेन डायोइक, पेंटेन, हेप्टेन सब लिख देना है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है वो देख लीजिए, ये ट्रिक है ओम्स गैप। एन इक्वल टू जीरो ऑक्जेलिक एसिड टू वन मेलोनिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड ग्लूटेरिक एसिड एडीपिक एसिड पाइमेलिक एसिड तो ओम्स गैप होता है ट्रिक, मतलब 0 1 2 3 4 5 तो ये आपका ओम्स गैप से इसको ध्यान रखिएगा कि सबका कॉमन नेम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है मेनली कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। इसका IUPAC नेम तो बहुत ईजी है इसलिए नहीं पूछता है, इथेन प्रोपेन डायोइक पेंटेन डायोइक हेप्टेन डायोइक इसलिए नहीं आता है इससे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कार्ब कब यूज होता है, व्हेन कार्ब इज यूज्ड। कार्ब मतलब जैसे ओआइक एसिड था एक और एक था कार्बोजाइलिक एसिड, तो कार्बोजाइलिक एसिड कब जो है सफिक्स यूज करते हैं। तो यदि रिंग से डायरेक्ट COOH ग्रुप ओरिएंट रहता है तो उस केस में जो है ओआइक एसिड नहीं लगाते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड लगाते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आप इसका नाम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, साइक्लो नंबरिंग तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 तो साइक्लो हेक्स लिखिएगा या साइक्लो हेप्ट लिखिएगा, क्योंकि 7 कार्बन हो जाएगा तो हेप्ट लिखिएगा मतलब 7 कार्बन का चेन है, लेकिन यहाँ तो अगर हेक्स लिखिएगा तो 6 कार्बन का चेन है तो साइक्लो हेक्सेन वाई के सी तो फिर ये कार्बन काउंट नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि यदि रिंग से डायरेक्ट COOH ग्रुप अटैच रहता है तो उस केस में जो है कार्बोजाइलिक एसिड लिखते हैं, जैसे COOH ग्रुप अटैच्ड है तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एसिड, मतलब ये 6 कार्बन का चेन जो है वो आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया और COOH ग्रुप जो है वो कार्बोजाइलिक एसिड, मतलब कि यहाँ पे जब कार्बोजाइलिक एसिड जहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं उस केस में COOH का कार्बन काउंट नहीं करते हैं, और जहाँ पे वाइक एसिड यूज करते हैं वहां पे COOH वाला कार्बन भी यूज करते हैं मतलब काउंट करते हैं नंबरिंग के लिए, तो ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा, तब ये 6 कार्बन का चेन और कार्बोजाइलिक एसिड तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे भी रिंग से अटैच्ड है COOH ग्रुप तो ये तो आपका बेंजीन होता है, तो बेंजीन से COOH ग्रुप अटैच्ड है तो बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि 3 या 3 से अधिक COOH ग्रुप अटैच्ड रहेगा तो उस केस में भी कार्बोजाइलिक एसिड यूज करेंगे, जैसे इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 1 2 3 3 से 3 है COOH ग्रुप तो ये वाला कार्बोजाइलिक एसिड की तरह यूज होगा, तो नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक मतलब ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। और ये सिर्फ जो है कार्बोजाइलिक के लिए नहीं होता है, जैसे CN के लिए आपका था नाम नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल, तो फिर कार्बोनाइट्राइल में सेम रूल लगेगा कि यदि रिंग से CN ग्रुप अटैच रहेगा तो कार्बोनाइट्राइल लगेगा, या 3 या 3 से अधिक CN रहेगा तो उसके लिए कार्बोनाइट्राइल सफिक्स यूज करते हैं, नहीं तो फिर नाइट्राइल सफिक्स यूज करेंगे। तो सब के लिए यही है कार्ब, इसलिए कार्ब लिखे, नहीं तो डायरेक्ट बोलते नहीं कार्बोजाइलिक एसिड, कार्ब मतलब जनरल जहां पे भी कार्बोनिट्राइल कार्बामोइल आता था सब के लिए सेम रूल है।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें भी देखिए COH 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 तीन COH है, तो इसको जो है काउंट मतलब कार तीन या तीन से अधिक रहता है तो वाई के सीड नहीं कार्बोजाइलिक एसिड लगेगा सफिक्स। तो मेन चेन का नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो नाम होगा ब्यूटेन 1 2 2 कार्बोजाइलिक एसिड, क्योंकि ये COH ग्रुप और ये COH ग्रुप सेकेंड कार्बन सेटेड है, तो ब्यूटेन 1 2 2 कार्बोजाइलिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है कि आपका COH ग्रुप CH2 से अटैच्ड है, रिंग से अटैच्ड नहीं है, तो इस केस में आपका कार्बोजाइलिक एसिड नहीं लगेगा। इस केस में जो है आपका मेन चेन तो ये COH ग्रुप से अटैच्ड वाला होगा, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप से करेंगे चेन टर्मिनेटिंग में, तो 1 2 3 तो नाम होता है 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखिए COOH ग्रुप जो है रिंग से भी अटैच्ड है और लीनियर चेन CH2 ग्रुप से भी COOH अटैच्ड है, तो आपका मेन चेन कौन सा होगा? तो मेन चेन आपका रिंग होगा, क्योंकि ये 6 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, तो मेन चेन ये है। तो नंबरिंग जो है इस वाला कार्बन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो कार्बोजाइलिक एसिड होगा रिंग से अटैच्ड होने के कारण, तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे देखिए 4 पे CH2 COOH ग्रुप है, तो COOH इस केस में ये वाला जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है एक तरह से, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका प्रीफिक्स यूज होगा, तो COOH के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है? कार्बोक्सी, तो नाम होगा 4 पे कार्बोक्सी मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोजाइलिक एसिड, तो ये नाम हो जाएगा 4 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोजाइलिक एसिड, 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1 2 2 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड, बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसमें जो है फिर रिंग से डायरेक्ट COOH ग्रुप अटैच्ड है, तो नाम होगा बेंजीन 1 3 5 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड, क्योंकि किसी एक को 1 दीजिएगा तो 2 3 4 5 पे, तो बेंजीन 1 3 5 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। अब इस केस में जो है यहाँ कार्बोजाइलिक एसिड या ओआइक एसिड, तो देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल पहले बताए थे जिसमें कि बेंजीन तक था, तो NaCH3 ऐड करने से कुछ होगा नहीं, फिर से मेन चेन तो यही होगा, क्योंकि COOH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है नहीं, तो ये मेन चेन होगा। और नंबरिंग जो है ये वाला कार्बन से करेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे 3-फिनाइल दिए थे पिछला बार प्रोपेन प्रोपानोइक एसिड, यहाँ पे 1-2 करके NH ग्रुप का भी नंबरिंग देंगे, तो 1-2-3-3 पे N मिथाइल, क्योंकि CH3 ग्रुप N से कनेक्टेड है तो N मिथाइल, तो नाम होगा 3-3-N मिथाइल एमिनो फिनाइल प्रोपानोइक एसिड, तो ये नाम है 3-3-N मिथाइल एमिनो फिनाइल प्रोपानोइक एसिड, बेंजीन 1-3-5 ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बोंडो एक्स अल्काइल हेलाइड, तो इसका नाम क्या होता है? तो इसके केस में सफिक्स और प्रीफिक्स बता दिए थे, याद कर लिए होंगे आप लोग, सफिक्स ऑयल हेलाइड या फिर कार्बोनाइल हेलाइड, और प्रीफिक्स जो है हेलो कार्बोनाइल यूज होता है COX के लिए, एक्स आपका हेलोजन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और IUPAC नेम होता है अल्कानोइल हेलाइड, और कार्बोनाइल हेलाइड जो है जिसे कार्बोजाइलिक एसिड लगता था उसी तरह से कार्बोनाइल हेलाइड, COH के जगह अगर COCl रहेगा या BR रहेगा या I रहेगा तो कार्बोनाइल हेलाइड लगेगा, किस केस में लगेगा? कार्बो बता दिए हैं, तब इसका नाम देख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो 2 कार्बन है तो अल्कानोइल, इथानोइल क्लोराइड, Cl है तो हेलाइड मतलब क्लोराइड, BR रहेगा तो हेलोजन ब्रोमिन रहेगा तो ब्रोमाइड, आई रहेगा तो हेलोजन आपका आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, तो CH3COCl इथानोइल क्लोराइड, COBr रहता तो इथानोइल ब्रोमाइड, COI रहता तो इथानोइल आयोडाइड। अब इसका नाम बताना है, तो इसमें जो है मेन चेन कौन सा होगा? तो मेन चेन तो आपका COCl वाला कार्बन तो होगा ही, अब इस तरफ चलना है या इस तरफ, तो इसी तरफ चलेंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो नाम होगा 2-ethyl-but-3-enoyl क्लोराइड, इन ओइल, EN OYL, ब्यूट
टू इथाइल ब्यूट थ्री इनोइल क्लोराइड। अब इसमें देखिए फिर रिंग से जो है कनेक्ट है COCl, तो कार्बोनाइल क्लोराइड यूज होगा, तो नाम होगा प्रोपेन कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका नाम प्रोपेन कार्बोनाइल क्लोराइड और इसका हो जाएगा टू इथाइल ब्यूट थ्री इनोइल क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी जो है COCl डायरेक्ट रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए तीन COCl ग्रुप है, तो फिर से कार्बोनाइल क्लोराइड होगा सफिक्स, तो नंबरिंग 1, 2, 3, ये तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन जो है कार्बोनाइल यूज कर रहे हैं, तो कार्ब के केस में COCl का कार्बन यूज नहीं होता है, तो नाम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। ये नाम है, दोनों का नाम भी लिख दिए हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखिए मेन चेन तो आपका मतलब फर्स्ट कार्बन तो ये होगा क्योंकि रिंग से डायरेक्ट COH ग्रुप अटैच है, तो ये फर्स्ट कार्बन। अब सेकेंड ये होगा क्योंकि जैसे ही ये सीनियर पर्सन ग्रुप चूज कर लिए उसके बाद ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा सीनियर डबल बॉन्ड होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हेलो कार्बोनाइल, तो क्लोरो है हेलोजन में, तो 6-क्लोरोकार्बोनाइल साइक्लोहेक्स 2-इनोइक एसिड। EN जो है इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए और COH के लिए कार्बोजाइलिक एसिड क्योंकि रिंग से डायरेक्ट COH ग्रुप अटैच है, तो नाम होगा 6-क्लोरोकार्बोनाइल साइक्लोहेक्स 2-इन-1 कार्बोजाइलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो है SO3H ग्रुप आपका फर्स्ट होगा, ये वाला कार्बन फर्स्ट क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप SO3H होता है सल्फोनिक एसिड। उसके बाद COCl या COBr मिनिमम किसको देना है, तो ये जो है ब्रोमो होगा और ये क्लोरो होगा, तो ब्रोमो कार्बोनाइल क्लोरो कार्बोनाइल BC, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नाम होगा 3-ब्रोमो कार्बोनाइल 5-क्लोरो कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन 1-सल्फोनिक एसिड। तो ये नाम हो जाएगा 3-ब्रोमो कार्बोनाइल 5-क्लोरो कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सीन 1-सल्फोनिक एसिड और 6-क्लोरो कार्बोनाइल साइक्लोहेक्स 2-इन-1 कार्बोजाइलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका नाम बताना है, तो COBr आपका फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नाम होगा 4-एमिनो-5-ब्रोमो-6-क्लोरो-3-ऑक्सो-7 कार्बन है, तो हेप्टानोइल ब्रोमाइड, 4-एमिनो-5-ब्रोमो-6-क्लोरो-3-ऑक्सो-हेप्टानोइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम 4-एमिनो-5-ब्रोमो-6-क्लोरो-3-ऑक्सो-हेप्टानोइल क्लोराइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।